ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राजनीतिक पार्टियों में आजकल दल बदल आम बात हो गई है, लेकिन कांग्रेस नेता जयराम रमेश इसे सही नहीं मानते हैं। जयराम रमेश ने कहा है कि किसी भी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतने के बाद उसे छोड़कर दूसरे दल में नेता का चले जाना गलत है। इधर बीजेपी ने जयराम रमेश के इस बयान पर कांग्रेस पर निशाना साधा और पूछा कि बीएसपी से विधायक किसने तोड़े। रिपोर्ट देखिए। राजनीति में नेता मौके पर चौके लगाने के लिए तत्पर दिखते हैं और चुनाव से ठीक पहले या नतीजों के बाद ऐसी हलचल ज्यादा देखने को मिलती है। अब तो ये अवसरवादिता भी राजनीति में एक संस्कार के तरीके से मानी जाने लगी है, लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयराम रमेश इस रवैये को बिल्कुल गलत मानते हैं। यूं तो कांग्रेस के साथ ही दूसरी पार्टियों के नेता भी इस तरीके से दल बदल को कई बार गलत बता चुके हैं, लेकिन जयराम रमेश तो एक कदम आगे बढ़कर यहां तक कहते हैं कि पार्टी छोड़ने वाले नेताओं को वापस दल में शामिल ही नहीं किया जाना चाहिए। इसके साथ ही जयराम रमेश ने कहा कि कई बार कुछ मजबूरी भी हो जाती है जिसके कारण नेताओं को वापस लेना पड़ता है। आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपका मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप उसी पार्टी में रहें, पर कुछ लोग पार्टी छोड़कर चले जाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ जो कोई हो, और जो लोग जाते हैं वापस, जो लोग छोड़कर जाते हैं उनको वापस नहीं ले जाना लेना चाहिए, पर कभी कभी कुछ मजबूरी हो जाती है, हम उनको ले लेते हैं। जयराम रमेश ने दल बदल को गलत और निंदनीय बताते हुए पार्टी छोड़ने वाले नेताओं को वापस नहीं लिए जाने की पैरवी तो कर दी, लेकिन बीजेपी ने उनके इस बयान पर राजस्थान में आईना दिखाने की कोशिश की है। बीजेपी नेता मीणा ने कहा है कि दल बदल गलत बताने वाले कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता को राजस्थान सरकार की तरफ भी देखना चाहिए। मीणा ने कहा कि राजस्थान में भी कांग्रेस ने बहुजन समाज पार्टी के पूरे विधायक दल को ही अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस को कम से कम बसपा से आए विधायकों को तो मुक्त करके अपनी कथनी और करनी में तालमेल दिखा देना चाहिए। मैं आरोप लगाना चाहता हूं कि गहलोत सरकार की कथनी करनी में बहुत फर्क है, और यहां गहलोत सरकार के चलते सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ा है और बहुसंख्यक समाज को परेशानियों का सामना बहुत करना पड़ा है। बहरहाल भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राजस्थान की बूंदी में जयराम रमेश के इस बयान के बाद कार्यकर्ताओं में चर्चा इस बात की हो रही है कि आखिर जयराम रमेश का इशारा किसकी तरफ था। शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर।